मनुष्य पंच विकारों से ग्रस्त होकर सभी गलतियां करता है। अगर कोई ऐसी विधि मिल जाए जिससे इन पंच विकारों पर विजय पाई जा सके, तब उसका कहना ही क्या। आज हम आपको ऐसा ही एक प्राणायाम विधि बताने जा रहे हैं, उज्जायी प्राणायाम। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूल कर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। उज्जायी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको पद्मासन में बताने जा रहे हैं। अब पद्मासन में व्यवस्थित होकर कमर सीधी रखें तथा श्वास लेते हुए छोड़ते हुए सामान्य श्वसन विधि करते हुए धीरे धीरे कंठ को संकुचित करते हुए जालंधर बंद लगाते जाएं। अब इस संकुचित कंठ की अवस्था में आपको श्वसन विधि लेनी है और छोड़नी है, जिससे हल्की खर्राटे की आवाज़ या समुद्र की ध्वनि उत्पन्न होगी। यह उज्जायी प्राणायाम करने की विधि हुई। केवल इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो 10 मिनट तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 2 मिनट करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे या तो दोनों भावों के बीच में अपने ध्यान को या फिर नासिका के अग्रभाग पर अपने ध्यान को रखेंगे। उज्जायी प्राणायाम करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन या सुखासन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पे भी न बैठ पाते हों, वे ऐसी कुर्सी पर जिसमें हैंडल न लगा हो कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखनी है, इसका विशेष ध्यान दें। उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास थायराइड व अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। इसके अभ्यास से सर्दी दूर रहती है, शरीर में प्राण शक्ति की वृद्धि होती है, तनाव, अवसाद, अस्थमा, तुतलाने व हकलाने आदि रोग में बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से स्थिर मन व दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। नियमित रूप से अभ्यास करने पर लंबी आयु प्राप्त होती है। रुकी व बद्ध नाड़ियों को खोलने का काम करता है। मन को स्पष्ट व शरीर को सेहत प्रदान करता है। शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बनता है। तंत्रिका तंत्र मजबूत बनता है। मन एकाग्र व बुद्धि प्रखर होती है। आत्मिक स्तर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। नींद गहरी व उच्च गुणवत्ता वाली बनती है। हृदय रोगी तथा रक्तचाप के मरीज को लाभ मिलता है। यह प्राणायाम द्रवधारिता को कम करता है। सप्त धातु अर्थात रक्त, हड्डी, मज्जा, वसा, वीर, त्वचा व मांस के विकारों को हटाता है। क्षय रोगों को दूर रखता है। कंठ के दोषों को दूर करता है। वाणी या बोली से संबंधित दोष दूर होते हैं। संस्कृत शब्द उज्जायी का अर्थ है विजयी। यह नाम दो शब्दों पर रखा गया है, जी और उद। जी का अर्थ जीतना और उद का अर्थ है बंधन, अर्थात वह प्राणायाम जो बंधन से स्वतंत्रता दिलाता है। इस प्राणायाम को करते समय समुद्र के समान ध्वनि आती है, इसलिए इसे ओशियन ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। उज्जायी प्राणायाम के अभ्यास से विशुद्धि चक्र व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। उज्जायी प्राणायाम हमेशा खाली पेट ही करें।
सिरदर्द या चक्कर आने की दशा में इस प्राणायाम को न करें। साफ व हवादार जगह पर ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। उच्च रक्तचाप व हृदय के रोगी इसके अभ्यास से परहेज करें। खांसी अथवा टॉन्सिल बढ़ी हुई दशा में भी इसका अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इसका अभ्यास न करें। उज्जायी प्राणायाम आपको सभी बंधनों पर विजय दिलाता है। लोभ, क्रोध, मोह, काम व अहंकार जैसे अवगुण दूर ही रहते हैं। अभ्यासी में योगियों के गुण आते हैं। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। तो यह था उज्जायी प्राणायाम करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।